लेट्स गो टू द फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट कि पैकेज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा ग्रिलिंग होती है इस राउंड में. मतलब आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप सोचोगे यार इतना क्यों पूछ रहे हैं. हाय गाइस, अगर आप वेदांतु में टीचर बनना चाहते हो तो उसके चार स्टेप्स होते हैं. आज की वीडियो में मैं आपको चारों स्टेप के बारे में डिटेल में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि हर एक स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. एंड टूवर्ड्स द एंड मैं आपको फिफ्थ एक बोनस टिप बताऊंगा जिससे कि आपको गारंटीड नौकरी तो मिल ही जाएगी. एंड इन द एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू बी एन ऑनलाइन टीचर. तो लेट्स गेट टू द वीडियो गाइज. तो गाइज द फर्स्ट स्टेप इज रेज्यूमे. तो लाइक एनी अदर जॉब, अगर आप वेदांतु में टीचर बनना चाहते हो तो आपको अपना रेज्यूमे सबमिट करना होता है टू द एचआर, है ना. और उसको सबमिट करने के लिए आप किसी मास्टर टीचर जैसे कि मेरे को भेज सकते हो या फिर किसी और टीचर को जानते हो तो उनको भी भेज सकते हो, और एल्स आप डायरेक्टली वेदांतु के वेबसाइट पे जाके वहां पे करियर्स में जाके अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अब रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए गाइस. रेज्यूमे में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, आपका वीडियो का एक लिंक होना चाहिए. आपको एक वीडियो बनानी है आपको टीचिंग करते हुए और वो आपको उसमें ऐड कर दिया, ठीक है. विदाउट वीडियो लिंक डोंट सेंड अ रेज्यूमे, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाता है. क्योंकि सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होता है कि वीडियो में कैसा परफॉर्मेंस है. मेनली वीडियो में गाइस आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे फोकस करते हैं कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो. तो उसके लिए आई वुड से बी वेल ग्रूम्ड, ओके, नहा धो के एकदम यू नो शेव वेव करके कंगी वंगी करके, है ना, बी वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड. नंबर टू, हैव अ गुड कम्युनिकेशन. मतलब जो भी आप बोल रहे हो उसको एकदम क्लियरली बोलो और उसको एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करो. एक और चीज होती है कि हमारे पास जब हम कैमरा में फोकस कर रहे होते हैं ना, तो तीन चीजें होती है हमारे पास. एक होता है हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन, आप वॉइस को कम कर सकते हो या बढ़ा के बात कर सकते हो, ठीक है, एक चीज ये हो गई. नंबर टू होती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन जिससे कि आप ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हो. एंड नंबर थ्री इज गाइज योर हैंड जेस्चर्स. तो इनको अच्छी तरीके से यूज करो वीडियो में ताकि आपकी जो वीडियो हो बहुत ही एनिमेटेड लगे, ठीक है, और एकदम एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ करो. ये आपको पहला राउंड क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, हम रेज्यूमे भी नहीं पढ़ते, पहले हम वीडियो लिंक देखते हैं कि वीडियो में कैसा परफॉर्म इंसान दिखता है, ठीक है. अगर आपका वीडियो क्वालिफाई करा फिर हम रेज्यूमे देखते हैं. ऑब्वियसली कॉलेज मैटर्स, बट आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी मैटर करता है. बट इफ योर वीडियो इज एक्सेप्शनली गुड, ट्रस्ट मी यू विल बी इन, यू विल बी कॉल्ड इन फॉर सेकेंड राउंड. एक और चीज पूछते हैं कि सर ये वीडियो लिंक का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए. तो गाइस वीडियो लिंक का ड्यूरेशन होना चाहिए 5 to 10 minutes मैक्सिमम, ठीक है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई इससे ज्यादा आपका वीडियो नहीं देखता. यहां पे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं होती, ठीक है. तो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करिएगा. ट्राई टू कीप इट इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड यस एनर्जेटिक, एंड कीप अ स्माइल. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना स्माइल नहीं कर पाते, बट ट्रस्ट मी स्माइल इज समथिंग विच विल हेल्प यू. चाहे फेक ही स्माइल करो बट करने की कोशिश जरूर करना वीडियो में, ठीक है. 5 to 10 minutes ड्यूरेशन की वीडियो होनी चाहिए. लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेज गाइज. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? तो गाइज द सेकेंड स्टेज इज ऑनलाइन असेसमेंट. इसमें आपको गाइज एक पेपर सॉल्व करना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और एक मेंटल एबिलिटी भी होता है. जब मैंने इंटरव्यू दिया था मैंने बायोलॉजी का पेपर और मेंटल एबिलिटी का पेपर सॉल्व करा था. आजकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर तो होता ही है, एंड इफ यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, अगर आप फील्ड में 5, 7, 8 साल से हो, वेल नोन हो, तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, ठीक है. डिपेंड्स ऑन योर यू नो एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस. बट अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें कि नॉट ओनली सब्जेक्ट बट मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट करते हैं, ठीक है. तो दैट इज द सेकेंड स्टेज. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड स्टेज. सो गाइज अगर आप पहले के दो राउंड क्लियर कर लेते हो तो द थर्ड इंटरव्यू इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू. इसमें एक वीडियो कॉल होती है आपकी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ, जहां पे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करी जाती है पूरी तरीके से. एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा ग्रिलिंग होती है इस राउंड में. मतलब आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप सोचोगे यार इतना क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है. एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस इंटरव्यू राउंड इज गाइस कि आपको चेक करें कि आपकी डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज कितनी है, और अगर आपको कोई सवाल में आप अटकते हो तो आप उसको कैसे डील करते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच क्या है. तो इसमें ये एक टीचर एनालाइज करने की कोशिश करता है. जनरली ये राउंड आपके एचओडीज के साथ होता है या फिर कोई यू नो हाईली एक्सपीरियंस टीचर के साथ होता है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये हर एक इंस्टीट्यूट का होता है. यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रिलिंग होती है एक एस्पिरेंट की. तो यस, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस राउंड. अपना मैक्सिमम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, है ना. और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं
तो बी फ्रैंक एंड टेल देम कि यार मुझे नहीं आता, ठीक है, एंड यस आई विल, यू नो. और टीचर इतने अच्छे होते हैं गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो आपको समझाएंगे भी कि ये क्या चीज है, ठीक है. बट हाँ, एटीट्यूड थ्रो नहीं करना चाहिए इस राउंड में कि जैसे कि मुझे तो सब कुछ आता है, यू नो. तो दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. बी हम्बल. अगर नहीं आता तो एक्सेप्टेड कि हाँ मेरे को नहीं आता ये टॉपिक, आई नीड टू रिफ्रेश ऑन दिस, है ना. एंड बट या दिस राउंड इज गोना बी वेरी क्रूअल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो ग्रिलिंग वगैरह होती है, एंड आई हैव सीन इट, ठीक है. लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या ही बताएं, ठीक है. तो वी प्रिपेयर फॉर दिस. तो आई वुड से पूरे के पूरे क्वेश्चंस या फिर चैप्टर्स आप पढ़ के आओ, और या फिर एटलीस्ट ऐसे दो टॉपिक, दो चैप्टर ऐसा पढ़ लो जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो. क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका सबसे स्ट्रांग चैप्टर कौन सा है, एंड गेस ट्रस्ट मी गाइस, उसमें आपको यू नो पूरा एकदम यू नो ओपन कर देते हैं, एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन विच यू कुड हैव नॉट इमेजिन्ड एट ऑल. बट या प्लीज डोंट बी स्केयर्ड. जैसे कि मैंने बताया, उसमें बस आपका वो अप्रोच और एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं कि ठीक है सब्जेक्ट को लेके आपकी नॉलेज कितनी है, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप्स क्या आप अप्लाई करते हो, ठीक है. एंड प्लीज डोंट ट्राई टू फूल द इंटरव्यूअर. ट्रस्ट मी, वो आप जैसे 100 लोगों को देखते हैं, ठीक है. अगर आप यहां से क्वालिफाई करते हो तो यू कम टू द फोर्थ राउंड. सो गाइस, द फोर्थ राउंड इज जनरली विद आर एपी सर, है ना, हमारे को फाउंडर आनंद प्रकाश सर. वो देखते हैं कि कल्चर फिट कैसा है आपका, मतलब आप हमारे वेदांतों के कल्चर में कैसे फिट होते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइस, एपी सर इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू हैव वर्क विद, ठीक है. ही इज सो लाइक, मेरे तो फेवरेट है वेदांतों में एपी सर, है ना. तो जो उनके साथ इंटरव्यू होता है वो बस आपको देखते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है. अगेन जैसे मैंने बताया, एटीट्यूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है. वो आपका देखते हैं एटीट्यूड क्या है, लर्निंग एटीट्यूड है, हम्बल हो, ठीक है, काम करने के लिए विलिंग हो, है ना. और यस, आप टीचिंग में क्यों आए हो, दिस इज वन थिंग ही विल डेफिनेटली आस्क, क्योंकि आप टीचिंग में क्यों आए हो, ठीक है. तो आपको आपको जेन्युइन रीजन बताना चाहिए, ठीक है. इफ यू थिंक कि मनी इज द रीजन, टेल हिम लाइक यू नो बी फ्रैंक, मनी है या फिर यू लाइक टीचिंग या फिर वॉट एवर कुड बी योर रीजन, ओके. तो उनसे अगेन देर इज नो नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ हिम, ही इज सच अ हम्बल पर्सन, सच अ काइंड पर्सन, ही विल मेक यू फील एट होम. बट या कोई हम्बलनेस दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है गाइस किसी भी इंटरव्यू में. ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है. एंड बी अ लिसनर ऑल्सो. तो जो भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे सर, तो थोड़ी देर उसको सोचो उसके बारे में, है ना. एंड देर इज नो नीड टू ब्लैबर जस्ट एनीथिंग, ओके. थिंक अबाउट इट, थोड़ी देर सोचो. आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो एपी सर से. ही इज सो डैम अमेजिंग. आप मैं इतनी बार उनको बोल रहा था ही इज सच ए गुड पर्सन, ठीक है. तो यार, दिस ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ एंड द बोनस टिप गाइस. अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको टीचिंग करनी ही है, दैट टू ऑनलाइन टीचिंग, तो आई वुड से आपको हर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना चाहिए, है ना. डोंट हैव अ नैरो पर्सपेक्टिव कि मेरे को एक ही कंपनी में जाना है, ठीक है. जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है, ठीक है, वेदांत हो गया, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, टॉपर हो गया, आकाश हो गया, एलन हो गया, फिटजी हो गया, ठीक है, यू शुड अप्लाई टू ऑल ऑफ देम. क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? जब आपने सोच ही लिया है कि आपको टीचिंग करनी है, ओके, तो यू शुड अप्लाई एवरीवेयर. एक ही अगर जगह पे पत्थर मारोगे तो देयर इज अ वेरी लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो गिरेगा. अगर आप 10-20 पत्थर मारोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक काम तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है. एंड विद एवरी इंटरव्यू लर्न फ्रॉम इट. जब भी आपको रिजेक्शन आते तो सोचो कि आपका रिजेक्शन क्यों हुआ. आपकी वीडियो राउंड की वजह से हुआ, आपने वीडियो अच्छे से सबमिट नहीं करी, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज वीक थी. तो जैसे ही आप 7-8 इंटरव्यू दोगे गाइस, तब जाके आपको एक इंटरव्यू लैंड होता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप 10-15 इंटरव्यू देते ना तो आप सीखते हो कि क्या कमी रह गई थी. एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना कि आपको नौकरी मिलेगी, दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट अ जॉब. ये बहुत ज्यादा है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आप सब हार मान चुके होते, कहते अब तुम नहीं हो रहा भाई, तब आपको ट्रस्ट मी ऑन दिस एक जादू के जीनी की तरह, चिराग की तरह एक निकलेगा और आपको एक ईमेल आएगा आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी सुखद हो जाएगी, ठीक है. तो यस, अप्लाई एट मल्टीपल पोजिशंस. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू एड हियर इज कि लिंक्डइन पे बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनाओ, ठीक है. जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, या फिर एजुकेशन वाली कम्युनिटी है, एचआर्स हो गए, उनको उनके साथ कनेक्शन बनाओ. क्योंकि मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे बहुत बार पोस्ट होती है, जॉब ओपनिंग्स आती हैं, टीचर्स ही डालते हैं, कई बार मैं ही डालता हूँ, मतलब मैं कम डालता हूँ, बट आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम एस्पिरेंट्स कि सर वेदांत में ओपनिंग है तो मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दोगे, एंड आई डू दैट, ठीक है. कोई हर कोई इंसान अच्छा होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगर आप किसी को मैसेज करते हो ना, समटाइम्स दे माइट इग्नोर इट, बट इफ दे आर फ्री, इफ दे सी योर मैसेज, दे विल डेफिनेटली फॉरवर्ड द रेज्यूमे, ठीक है. तो आपको किसी को भी लगता है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, तो बेशरम होके प्लीज उनको एक मैसेज टाइप करो, बोलो मैं इस फील्ड में नौकरी ढूंढ रहा हूं, इफ यू कैन हेल्प प्लीज हेल्प मी आउट, या फिर प्रोसेस बता दो क्या होता है, मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है. इफ यू आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब, सेंड अ मैसेज टू एटलीस्ट 10 पीपल एवरी डे. एंड एज आई सेड, लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं.
मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, मैं सारे के सारे फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने एचआर को। ऑब्वियसली मैं उसमें कुछ जैक नहीं लगाता ना फिर मैं कुछ बोलता हूँ, मैं बस अपना काम अपना कर्म कर देता हूँ कि हाँ मेरे को किसी ने बोला है, मैं बोलता हूँ हाँ डेफिनेटली मैं एचआर को फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आगे एचआर से कॉल आता है कि नहीं आता वो उनका कॉल है, बट मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। एंड मोस्टली ऑल ऑफ द पीपल हु आर देयर इन लिंक्डइन दे डू दिस, ओके, उनको कोई गरज नहीं है कि आपको नहीं फॉरवर्ड करेंगे। तो बी ओपन, बी बेशरम, है ना, जस्ट टाइप अ मैसेज, रोज 10 लोगों को भेजा करो, एटलीस्ट एक इंसान तो उसको आपको फॉरवर्ड कर ही देगा, एंड यू नेवर नो व्हेन इट माइट क्लिक। तो दिस वाज अ बोनस टिप, बिल्ड अ नेटवर्क, बिल्कुल मतलब बेशरम होकर सबसे बात करो, डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प एवर, ओके, दैट वाज अ बोनस टिप। नाउ लेट्स गो टू द फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, कि पैकेज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो गाइज इन टीचिंग आई वुड से इट हाईली डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपका सैलरी पैकेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। एंड मैं टीचिंग में आई गेस प्लस 8+ ईयर्स से हूँ, ठीक है, आई बिन टीचिंग आफ्टर माई डायरेक्टली आफ्टर माई कॉलेज, तो आई हैव सीन टीचर्स अर्निंग मोर देन 1 crore, ठीक है। एंड येस आई स्टार्टेड माई जर्नी एज फ्रॉम अ यू नो पैकेज ऑफ 3 lakhs पर annum, ठीक है, अभी बढ़ चुकी है। बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी वे बिटवीन 6 lakhs to 10 lakh इफ़ यू आर टीचिंग इन द यू नो 6th to 10th grade की कैटेगरी में। अगर आप 11th 12th की कैटेगरी में जेई और नीट पढ़ाते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी वे बिटवीन 10 to 20 lakhs, ओके, दिस इज नॉट वेदांतु स्पेसिफिक, मैं जनरली एजुकेशन इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, है ना। एंड इट हाईली डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, एज आई सेड यू कैन अर्न मोर देन क्रोर्स, ओके, 2 crore 3 crore, देयर इज नो बार, आई हैव सीन पीपल यू नो ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स इनटू दिस। ऑल्सो आपका कॉलेज भी मैटर करता है, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, अगर आप IIT जेई IIT से बिलोंग करते हो या फिर यू नो डॉक्टर हो तो ऑब्वियसली आपका पैकेज हाई होता है। अगर आप यू नो किसी tier 2 कॉलेज या tier 3 कॉलेज से हो बट आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी स्टार्ट थोड़े कम से होगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन कैच अप, ठीक है। तो यस इट इज ऑल अबाउट बेटा कि हाउ गुड आर यू एट योर स्किल्स, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये जो टीचिंग एज अ स्किल है ना ये डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फेसिंग अ कैमरा, इंटरेक्टिंग विद अ कैमरा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट वर्किंग, ये एक स्लो टेक्निक होती है और स्लोली डेवलप होती है। ट्रस्ट मी आज भी मैं सीखता हूँ कि कैसी चीज़ें होती हैं, यू शुड सी माई फर्स्ट वीडियो, ठीक है, मैं एक लिंक डालूंगा मेरी फर्स्ट वीडियो का, आप देखना जरूर इसको। तो आई हैव इवॉल्व ओवर अ टाइम, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं जा रही तो डोंट बी बॉक डाउन, प्रैक्टिस करते रहो, देखो कि ऑनलाइन में कौन से टीचर हैं, कौन से टीचर आपको अच्छे लगते हैं, उनसे सीखो। इवन आई मुझे कोई टॉपिक पढ़ना होता है मैं यू नो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, बहुत सारे टीचर को सर्च करता हूँ, उनसे पढ़ता हूँ, उनका स्टाइल यू नो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ अपने यू नो टीचिंग में, कोई अच्छी चीज़ कर रहा होता है उसको करना की कोशिश करता हूँ मैं भी, ठीक है। तो इट्स अ एवर लर्निंग प्रोसेस, आपको सीखना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, कौन पढ़ा रहे हैं कितना अच्छा, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगानी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी अ ग्रेट टीचर। एंड यस गाइज वी नीड गुड टीचर्स, आज की जिंदगी में ना वो अच्छे टीचर्स हमें चाहिए, एंड आई नो एनी वन हु इज विलिंग टू बी अ टीचर प्लीज गो फॉरवर्ड। आप मेरे को भी अपना मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, है ना, यू कैन सेंड मी योर रिज्यूमे, आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड टू ऑल द एचआर्स हुम आई नो, है ना, वेदांत में डेफिनेटली फॉरवर्ड करूंगा मैं। सो गाइज दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो, डू लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी अ टीचर एट वेदांतु, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर बनना चाहते हो मुझे बताओ इन द कमेंट बॉक्स, एंड वाई यू वॉन्ट टू बी अ टीचर। एंड यस एज आई सेड आप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड रिज्यूमे to the HR, and keep smiling, and as I said, have a great day, lots of love, do not forget to subscribe to the channel, like the video and share it with your friends who's aspiring to be a teacher, or agar aap chahte ho ki main kisi video you know topic pe video banau, to do let me know in the comment box, I will do that. Keep smiling, have a great day, lots of love, bye bye.